जब नाम हरियाणे का आवे तो लोगा के दिला में कुश्ती आ करे के जब नाम हरियाणे का आवे तो लोगा के दिला में कुश्ती आ करे और जब बात कुश्ती की होवे तो लोगा के दिला में एक नाम आ करे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करांगे भारत के कुश्ती के सुल्तान योगेश्वर दत्त उर्फ योगी जी के बारे में, जिन्हें गांव में पहलवान जी के नाम से पुकारते हैं। इनका जन्म 2 नवंबर 1982 में हरियाणा के एक छोटे से गांव बैसवाल कला सोनीपत में हुआ। इनकी माता श्री सुशीला देवी जी और इनके पिता राममेर जी एक शिक्षक थे। इनका विवाह श्रीमती शीतल देवी से हुआ और एक बेटा भी है जिसका नाम योगित है। एक गांव से निकलकर ओलंपिक में मेडल जीतने तक के इस सफर की शुरुआत होती है जब वे 8 साल के थे। अपने गांव के एक नामी पहलवान बलराज से प्रेरित होकर वे कुश्ती करने लगे। इसी समय इनके गुरु हुए रामफल जी। रामफल जी से दाव पेच सीखकर इन्होंने अनेकों दंगलों में नाम कमाया। 5 फुट 6 इंच के इस पहलवान ने भारत को अनेकों मेडल दिए, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। 2006 में दोहा में हुए एशियन गेम में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2010 दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड हासिल किया। ओलंपिक गेम्स, जो हर रेसलर का सपना होता है, 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक गेम्स में इन्होंने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया। फिर 2014 में हुए एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 2 और गोल्ड भारत के नाम कर दिए। इन्हें 2012 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया और 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेजेंट की बात करें तो 2019 में इन्होंने हरियाणा पुलिस के DSP का पद छोड़ दिया और BJP पार्टी में शामिल होकर समाज की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगली वीडियो आपको किस फेमस व्यक्ति के बारे में चाहिए यह भी कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें अपने चैनल द हरियाणा को।